तो अब ट्रॉफी रिवील हो गई। उसके बाद में जो हम डिपार्टमेंट से भी जो हमारे मुलाजिम भी होते हैं उनको भी रिक्रिएशन की जरूरत है, और एट द सेम टाइम मुझे लगता है वहाँ से एशिया कप भी हो रहा है, तो आप लोग भी काफी एनकरेज होंगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा टाइम आपने सेलेक्ट किया है, सो ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स, और इसमें आपकी जितनी भी बाकी और टीम्स हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। तो लेट द बेस्ट टीम विन। एंड इसके साथ साथ ये भी कि ऑफ आवर्स डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्रिकेट स्टेडियम ही इसको बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमने आरएनबी को ही सारे ₹98 लाख का है, तो उससे तो ये काफ़ी मुझे लगता है बहुत अच्छे नेशनल स्टैंडर्ड का बन जाएगा। देखिए जो ये झेलम स्टेडियम है इसमें ये पहला एक ऐसा मैच हो रहा है जिसको कॉर्पोरेट कप कहते हैं। इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम्स हैं और पुलिस की, हर जो महकमा है उसकी टीम्स हैं यहाँ पे। आज डीसी ऑफिस की टीम है और आरएनबी की टीम खेलेगी। तो इसमें इस ग्राउंड की जो है इसकी बेटरमेंट के लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम्स रखे हैं। 98 लाख का एक नया प्रोजेक्ट है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमने इसको रखा है। उसमें टर्फ भी आती है, उसमें इनकी पिच भी है, प्लस इनके बॉलिंग के लिए और बैटिंग के लिए स्पेशल नेट्स भी रखे हुए हैं और लाइटिंग सिस्टम भी रखा हुआ है, जिससे कि इस यहाँ के खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी उसमें। और भी चीज़ें इन्होंने डिमांड्स रेज की हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारा होगा, कोई प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे। अभी के लिए इस साल हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमने प्रोजेक्ट्स उठाए हैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे कम्प्लीट हों।